वेलकम फ्रेंड्स, अमर सर चैनल पे आप सबों का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप प्रधान और लेके आया हूं आज के करंट अफेयर्स। आज है 28 दिसंबर 2018 और 28 दिसंबर 2018 को जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूलों की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? रिसेंटली व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल्स? इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। इसके बारे में जानते हैं, वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल, इसमें एक्चुअली में 100 स्कूलों में इंटरनेशनल सिलेबस पढ़ाया जाएगा। जैसे कि अटल बिहारी जी के नाम से इसकी शुरुआत हुई है, तो कल ही मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही बताए हैं, जो कि है गुड गवर्नेंस डे, जो कि वाजपेयी जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जो कि 25 दिसंबर को है। इसके बारे में और जानते हैं, साबरमती घाट जो गुजरात में है उसका नाम चेंज होकर अटल घाट हो गया है। नया रायपुर जो छत्तीसगढ़ में है उसका नाम बदल के अटल नगर हो गया है। उसी तरह एकना क्रिकेट स्टेडियम का भी जो नाम है अटल जी के नाम पे हुआ है। इसका आंसर था महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के बारे में भी कुछ जानते हैं, क्योंकि जब भी स्टेट का नाम आता है साथ में अगर कैपिटल, सीएम और गवर्नर के नाम हम लोग याद करते चलेंगे तो सभी स्टेट के नाम हम लोग को याद करने में और उसके कैपिटल, सीएम, गवर्नर के नाम याद करने में हम लोग को सुविधा होगी। ओके, तो इसका कैपिटल हो गया मुंबई, सीएम हो गया देवेंद्र फडणवीस जी एंड गवर्नर हो गया सी विद्यासागर राव। ओके, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत ने किस देश में चार बहार पोर्ट के संचालन का कार्यभार संभाला है? इन व्हिच कंट्री इंडिया हैज रिसेंटली टेकन चार्ज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द चार बहार पोर्ट? एंड द आंसर इज ईरान। ईरान का नाम आता है, तो इससे जानते हैं, इसका कैपिटल है तेहरान, करेंसी है रियाल एंड प्रेसिडेंट है हसन रोहानी जी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो है बिना किसी प्रकार की सहायता के सोलो ट्रैक पूरा करने वाला पहला व्यक्ति कौन बने हैं? Who has become the first person to complete a solo track across Antarctica without the assistance of any kind? देखिए, ये चीज पे गौर दीजिए, without the assistance of any kind, बिना किसी प्रकार की सहायता के। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कोलिन ओ ब्रैंडी। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बारे में और जानते हैं। कोलिन ओ ब्रैंडी टुक 54 डेज टू कंप्लीट द नियरली 1000 माइल्स क्रॉसिंग अंटार्कटिका। ओके, इनसे पहले इन 1996 ए नॉर्वेन एक्सप्लोरर बॉर्ग ऑसलैंड मेट द फर्स्ट सोलो क्रॉसिंग ऑफ अंटार्कटिका, बट कोलिन ओ ब्रैंडी हैज डन विदाउट द हेल्प ऑफ एनीवन। ओके, रिमेंबर दिस। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने IWC से बाहर होने की घोषणा की है? व्हिच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू बी आउटसाइड द IWC? सो द आंसर इज जापान। अच्छा, ये IWC है क्या चीज? इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन। सो जापान के बारे में जानते हैं, जापान का कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन, पीएम है सिंजो अबे एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज नेम ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज डाइट। सो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आंध्र प्रदेश के लिए नए उच्च न्यायालय के निर्माण के साथ देश में अब कितने उच्च न्यायालय होंगे? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद द क्रिएशन ऑफ ए न्यू हाई कोर्ट फॉर आंध्र प्रदेश, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स विल बी देयर इन द कंट्री नाउ? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 25। इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं।
हाई कोर्ट फॉर आंध्र प्रदेश विल इफेक्ट फ्रॉम January 1, 2019. सो द हाई कोर्ट फॉर आंध्र प्रदेश विल फंक्शन फ्रॉम अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश के कैपिटल है. एंड सीएम कौन है? सी चंद्रबाबू नायडू, जो कि स्कॉच स्प्रिंटर ऑफ द ईयर भी इनको मिला है. और गवर्नर है ESL नरसिम्हन. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट, वी हैव ट्रेन 18 का पहला ट्रायल रन किन रेलवे स्टेशनों पर आयोजित किया गया? ट्रेन 18 फर्स्ट ट्रायल रन वाज हेल्ड बिटवीन व्हिच रेलवे स्टेशन? ये आंसर शायद आपको पता होगा. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बरेली मुरादाबाद. तो जानते हैं इसके बारे में और कुछ, जो कि है ट्रेन 18 ऑफिशियली इंडियाज फास्टेस्ट ट्रेन विथ स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इंडियाज फर्स्ट, ये इंडिया का पहला ऐसा होगा जिसमें इंजन नहीं होगा ट्रेन में. एंड इट विल रिप्लेस प्रीमियर शताब्दी एक्सप्रेस. ओके, सो कीप दिस पॉइंट इन माइंड. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव मध्य रेलवे के किस डिवीजन ने उस्ताद नामक एक रोबोट विकसित किया है? व्हिच डिवीजन ऑफ सेंट्रल रेलवे हैज डेवलप्ड ए रोबोट नेम्ड उस्ताद? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नागपुर. इट विल क्लिक, द रोबोट विल क्लिक द पिक्चर एंड रिकॉर्ड वीडियो ऑफ द अंडर गियर्स ऑफ ट्रेन्स एंड सेंड देम टू द इंजीनियर्स फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस. ओके, रिसेंटली यू मस्ट बी नोइंग दैट राजस्थान जोधपुर हैड एडजर्ड द क्लीनेस्ट ऑन द रेलवे स्टेशन नेटवर्क इन ए वन कैटेगरी. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट, वी हैव किस देश ने एवनगर्ड हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? व्हिच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड एवनगर्ड हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम सक्सेसफुली? द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रसिया. इसके बारे में थोड़ा जानते हैं. ये मिसाइल जो है, इट कैन फ्लाई एट 20 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड एंड इट कैन विदस्टैंड टेम्परेचर्स ऑफ अप टू 2000 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट, वी हैव इन व्हिच स्टेट डिड द थर्ड द्विजिंग फेस्टिवल बिगिन? तीसरा द्विजिंग फेस्टिवल किस राज्य में शुरू हुआ? सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, असम. असम के बारे में कुछ जानते हैं. हाल ही में यहाँ पे कुछ हुआ था, जैसे कि बोगीवेल ब्रिज है, रोड कम रेल ब्रिज ऑन रिवर ब्रह्मपुत्र में हुआ है, जो कि दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में है, धेमजी एंड दिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में. और ब्रिज की लंबाई है 4.94 किलोमीटर. असम में है ये, और असम का कैपिटल है दिसपुर. सीएम है सर्वानंदा सोनोवाल जी एंड गवर्नर है जगदीश मुखी. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव हाल ही में आरबीआई ने कितने रुपए का नया नोट जारी करने की घोषणा की है? रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द रिलीज ऑफ न्यू नोट ऑफ हाउ मेनी रुपए? ओके, सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 20. आरबीआई के बारे में जानते हैं डिटेल में. आरबीआई कमेंस्ड इट्स ऑपरेशन फ्रॉम 1 अप्रैल 1935. इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है. प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी. इनसे पहले थे जो कि 24th गवर्नर थे उर्जित पटेल, एंड 23rd गवर्नर जो थे वो थे रघुनाथ रजन जी. इन प्रेजेंट शक्तिकांत दास 25th गवर्नर जो है वो प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है आरबीआई के. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव हाल ही में पैडी एसडाउन की मृत्यु हुई, वह कौन थे? रिसेंटली पैडी एसडाउन डाइड, हु वाज ही? ही वाज ए पॉलिटिशियन. इनके बारे में और जानते हैं. वो 77 साल की एज में उनकी मृत्यु हुई है.
ही इज ए वेल नोन पॉलिटिशियन ऑफ आयरलैंड। अच्छा आयरलैंड के थे तो इसके इनके बारे में जानना क्या जरूरी है, इनका जन्म हुआ था इंडिया में, तो ये यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके सो आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अटल आयुष्मान योजना शुरू की है? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टुडे, दैट इज व्हिच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड द अटल आयुष्मान स्कीम रिसेंटली। आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में और जानते हैं, उत्तराखंड का कैपिटल हो गया देहरादून, इसके सीएम है त्रिवेंद्र एस रावत जी एंड गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। अच्छा ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा वो है ईच फैमिली विल गेट हेल्थ कवरेज अप टू 5 लाख, इट्स सिमिलर एज आयुष्मान भारत योजना। ओके आपको कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ऐसे ही रेगुलर आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आऊंगा, आपको अच्छा ही लगेगा। ओके मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।